आज यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे मतलब जो बच्चे सबके सामने नहीं आ पा रहे थे अपना टैलेंट लेके, आज यहाँ पर वो सब अपना टैलेंट बता पा रहे हैं जो जो उनको मतलब आता है। ऐसे मतलब ऐसा जो प्लेटफॉर्म है हमेशा हर साल होना चाहिए ताकि बच्चों के अपने टैलेंट जो है वो सबके सामने आ पाए। स्कूल्स के आए नहीं, अगर यहाँ पर और मतलब पहले ही बता दिया जाए या कुछ मतलब कुछ ऐसे निकाले जाए तो उससे मतलब सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिन जिन में जो जो टैलेंट है वो अपना वो टैलेंट दिखाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमारे कश्मीर का भी जो है सबके सामने आएगा कि कितने टैलेंट है हमारे यहाँ पर जश्न बारामूला कश्मीर के लिए। कि मतलब कि अब वो मतलब सब अपना टैलेंट दिखाए यहाँ पर आके, ये नहीं कि मतलब सब डरे कि मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह ऐसे सबको, फिर मतलब सब अपने अपने टैलेंट्स दिखाए यहाँ पर आके कि कितने मतलब यहाँ पर, फिर यहीं से हम आगे भी जा सकते हैं फिर, वरना हम अगर अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे तो यहीं पर हम रह जाएंगे। लगा हमने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और सब लोग बैठे थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया और हमारा टॉपिक यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट था जो कि स्किट कम डांस था, तो हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्म, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग पब्लिकली बहुत ज्यादा अच्छे रहना चाहिए इन एक्टिविटीज में, इससे हमें हम आगे आ सकते हैं, हम आगे आना सीखते हैं, हम हमें कॉन्फिडेंस बनता है, तो अच्छा है ऐसे इन प्रोग्राम्स के लिए और भी होने चाहिए, इससे काफी कॉन्फिडेंस बनता है, जैसे मैंने पहले भी कहा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और जैसे लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे वैसे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था, वो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं कर पाते थे बाकी चीजों को, तो अभी अच्छा है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि काफी सोसाइटी का डर रहता है लोगों को, बट सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी के साथ रहेंगे तो फिर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। कि कोई डांस में गाया तो उसे उसकी लड़की ने डांस किया तो ये सही नहीं है, हमें हर एक चीज में पार लेना चाहिए, अगर हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो फौज कर रही है मुझे लग रहा है अच्छा है कि एक एक्सपोजर बढ़ रहा है बच्चों को और अच्छा भी लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं अच्छा हो रहा है। पीछे तो रह गए, अपने सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और जो हमारी फौज हमें यहाँ पर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो आगे आगे बच्चे अच्छा अच्छा काम करें। आज यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे मतलब जो बच्चे सबके सामने नहीं आ पा रहे थे अपना टैलेंट लेके, आज यहाँ पर वो सब अपना टैलेंट बता पा रहे हैं जो जो उनको मतलब आता है। ऐसे मतलब ऐसा जो प्लेटफॉर्म है हमेशा हर साल होना चाहिए ताकि बच्चों के अपने टैलेंट जो है वो सबके सामने आ पाए। स्कूल्स के आए नहीं, अगर यहाँ पर और मतलब पहले ही बता दिया जाए या कुछ मतलब कुछ ऐसे निकाले जाए तो उससे मतलब सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिन जिन में जो जो टैलेंट है वो अपना वो टैलेंट दिखाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमारे कश्मीर का भी जो है सबके सामने आएगा कि कितने टैलेंट है हमारे यहाँ पर जश्न बारामूला कश्मीर के लिए। कि मतलब कि अब वो मतलब सब अपना टैलेंट दिखाए यहाँ पर आके, ये नहीं कि मतलब सब डरे कि मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह ऐसे सबको, फिर मतलब सब अपने अपने टैलेंट्स दिखाए यहाँ पर आके कि कितने मतलब यहाँ पर, फिर यहीं से हम आगे भी जा सकते हैं फिर, वरना हम अगर अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे तो यहीं पर हम रह जाएंगे। लगा हमने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और सब लोग बैठे थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया और हमारा टॉपिक यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट था जो कि स्किट कम डांस था, तो हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्म, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग पब्लिकली बहुत ज्यादा अच्छे रहना चाहिए इन एक्टिविटीज में, इससे हमें हम आगे आ सकते हैं, हम आगे आना सीखते हैं, हम हमें कॉन्फिडेंस बनता है, तो अच्छा है ऐसे इन प्रोग्राम्स के लिए और भी होने चाहिए, इससे काफी कॉन्फिडेंस बनता है, जैसे मैंने पहले भी कहा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और जैसे लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे वैसे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था, वो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं कर पाते थे बाकी चीजों को, तो अभी अच्छा है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि काफी सोसाइटी का डर रहता है लोगों को, बट सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी के साथ रहेंगे तो फिर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। कि कोई डांस में गाया तो उसे उसकी लड़की ने डांस किया तो ये सही नहीं है, हमें हर एक चीज में पार लेना चाहिए, अगर हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो फौज कर रही है मुझे लग रहा है अच्छा है कि एक एक्सपोजर बढ़ रहा है बच्चों को और अच्छा भी लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं अच्छा हो रहा है। पीछे तो रह गए, अपने सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और जो हमारी फौज हमें यहाँ पर